आप कुछ भी नहीं कर पाते तो ये जरूर करें। दिस इज वाई उत्तान पादासन को अर्धहनासन तक लेकर के जाओ तो अर्धहनासन अर्धहनासन पॉम्स लेफ्ट साइड फ्रॉम साइड घुटने सीधे कीप योर बोथ लेग्स स्ट्रेट डीप ब्रीदिंग के साथ सीटी के लिए बहुत जरूरी है अर्धहनासन देन पादवृत्तासन पादवृत्तासन थाई बटक सिक्स बहुत हैवी है थाई बटक सिक्स को ऑर्डर में लाने के लिए सीट में लाने के लिए सर चाहते हैं उनकी बॉडी शेप मेरे बॉडी के कट्स अच्छे हो लाइफ में कट्स अच्छे हो अच्छे फिगर्स सबको अच्छा लगता है भगवान ने कितना खूबसूरत बनाया है 5 to 10 टाइम्स ऑफ यू कैन डू 25 to 50 टाइम्स दो तीन राउंड कर सकते हैं एक राउंड किया फिर थोड़ा शवासन फिर दूसरा राउंड ऑब्वियसली के लिए बहुत जरूरी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुटना सीधा पूरा तनाव है पूरा बना ऑब्वियसली वाले किसी के लैग्स थाई बटक सिक्स बहुत हैवी है ओवरवेट आप लेग्स में एक्सेस है लेग्स में थाइस में वर्कआउट से उसके लेग्स लेग्स पाद बुद्धा से पूरा पूरा बड़ा शरीर श्वासों के साथ पूरा एकदम लेवल लंबे लंबे श्वास पूरी एनर्जी को चलाइज कर देते हैं और सब कुछ को बैलेंस वेट का मीटिंग का शुरू रखता है सब कुछ का थॉट्स इमोशंस एक्शंस का बैलेंस लास्ट जी चक्री का आसन दोनों पैरों को मिला करके उठा सकते हो और क्लॉकवाइज जरूर और एक एक पैसे भी कर सकते हैं एक एक पैसे करेंगे तो ऐसे होगा clockwise and clockwise obesity ka the one cause of obesity is sedentary second is less physical activity and overeating third is unhealthy lifestyle jaane uthne khane peene ka koi tarika nahi thyroid medicines operations depression ye sab bhi obesity ke kaaran सब कारणों का निवारण होगा योग से 10 to 25, 50 टाइम्स और बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो 100 टाइम्स तक आप कर सकते हैं पोस्चर से फिर प्राणायाम जरूर करना बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने थोड़ी देर शवासन थोड़ी देर शवासन रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली कंसंट्रेट टू योर बैक दोनों हाथ पैर सब सहज श्वासों के साथ सहज हो जाते हैं पड़ते आसनों के बीच में थोड़ी थोड़ी देर शवासन की क्षम के बाद विश्राम ये क्रम है जीवन का और स्वयं में है समाधान स्वयं में है पूर्णता अपनी निजता में अपनी भीतर की दिव्यता पूर्णता में अपनी योग चेतना में आत्म चेतना उच्च चेतना दिव्य चेतना में गुरु चेतना ऋषि चेतना भागवत चेतना अपने अधिष्ठान में आना योग से तदुक्ति योग है तदा जो हायर कॉन्शियस में गुरु कॉन्शियस में डिवाइन कॉन्शियस में जीते और उनके जीवन में फिर कोई दुख विशेष को हेल्प तो मिलती है उनके अंदर